गुड लक टीम अहमदाबाद, और अहमदाबाद टीम यहाँ पे बॉलिंग के लिए तैयार। ग्राउंड में उतर चुके हैं। 114 रन का टारगेट दिया है धड़ की टीम को। पहला ओवर उसामा करेंगे पहली बॉल, और अच्छी बॉल यहाँ पे कीपर की तरफ जाती। यहाँ पे डबल ले लिया, एक बॉल दो स्कोर, 114 रन का टारगेट। दूसरी बॉल यहाँ पे और खेली, यहाँ पे सिंगल मिलेगा। मोहम्मद उसामा यहाँ पे फील्डर को गुस्सा होती है। उमर इन्होंने तीसरी बॉल, और यहाँ पे फिर एक मिलेगा सिंगल। यहाँ पे अब बॉल पकड़ी जुबैर ने, और पिछली बॉल पे उमर ने एक स्लो थ्रो फेंका था जिसकी वजह से उसामा गुस्सा हो रहे थे फील्डर को। चौथी बॉल समय, और बहुत ही अच्छी बॉल, चार बॉलें और चार स्कोर। यहाँ पे मेरे ख्याल में वाइड होगी, चार बॉलें शायद पांच स्कोर। और यहाँ पे बॉल हुई बीट, पांच बॉलें पांच स्कोर। आखिरी बॉल करवाएंगे ओवर की, और यहाँ पे बॉल हुई ऊंची, और यहाँ पे लगा एक छक्का। एक अच्छा ओवर किया यहाँ पे सामान है। पहले ओवर में 11 स्कोर मेरे ख्याल में, एक और 11 स्कोर, 114 रन का टारगेट, चार ओवर बाकी। बॉलिंग के लिए आई असद अच्छी, यहाँ पे एक अच्छी बॉल की, लेकिन बॉल फील्डर के दरमियान थे चार रन के लिए। शायद स्कोर 16 या 15 रन। दूसरी ओवर की दूसरी बॉल, और बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पे असद अच्छी की। तीसरी बॉल, और बहुत ही अच्छी बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल है, ये हाइट की बॉल ज़्यादा उछल गई थी और बैट्समैन के सर से ऊपर से गुजरती हुई वाइड। अच्छी आए बॉलिंग के लिए, और यहाँ पे अच्छी को लगा एक लंबा छक्का, लंबा छक्का, 22 स्कोर। बॉल के लिए आया अच्छी, और एक बार फिर मेरे ख्याल में यहाँ पे होगा छक्का। यहाँ पे मिला 6 स्कोर का इजाफा धड़ की टीम को। दूसरी ओवर की चार बॉलें मेरे ख्याल में, और हाँ चार बॉलें और 22 स्कोर। और यहाँ पे अंपायर का कॉल के वाइड बॉल है, ये स्कोर हुई सर बढ़ती हुई 23, 1.4 ओवर और 114 रन का टारगेट पांच ओवर में। दो बॉल अभी बकाए इनके ओवर की, और यहाँ पे एक और छक्का अच्छी को, एक और छक्का पड़ गया यहाँ पे असद अच्छी। यहाँ पे परेशान होती है
तीन छक्के लग चुके हैं इस ओवर में, दो वाइड दे चुके हैं और यहाँ पे बॉल अच्छी गई और इसी के साथ ही अपना ओवर मुकम्मल करती है और स्कोर हुई यहाँ पे 29, दो ओवर 29 स्कोर, 114 रन का टारगेट, तीन ओवर बकाया। तीसरे ओवर के लिए आया हारिस और पहली बॉल पे लंबा छक्का, पहली बॉल पे लंबा सा छक्का और इसी के साथ ही स्कोर हुए 35। तीसरे ओवर की पहली बॉल और दूसरी बॉल के लिए आया यहाँ पे अब हारिस को एक और छक्का, हारिस को भी दो बॉलों पे दो छक्के, इसी के साथ स्कोर हुई 41। तीसरे ओवर की दो बॉलें 41 स्कोर। यहाँ पे अहमदाबाद टीम परेशान और दर टीम के शायकीन में थोड़ी सी उम्मीदें जागी हैं। अभी हारिस करेंगे तीसरी बॉल, साइड चेंज किया उन्होंने, अभी आएंगे ओवर द विकेट हारिस, जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है और अपनी टीम के लिए 114 रन का टारगेट सेट किया है, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग में महंगे साबित हो रहे हैं बॉलर यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऊंचा कैच और नहीं, यहाँ पे दो स्कोर मिलेंगे, कैच मुश्किल था पहाड़ी की वजह से। यहाँ पे हारिस भी एक मायूसी के अंदाज में फील्डर से नाराज होती है और यहाँ पे अच्छी बॉल 49 स्कोर हो चुके हैं, अच्छी बॉल और यहाँ पे मेरे ख्याल में एज है, शायद नहीं अपील नहीं की है तो अच्छी बॉल यहाँ पे की हारिस ने, 114 रन का टारगेट चेज करती है ददड़ की टीम। तीसरे ओवर की शायद आखिरी बॉल है और यहाँ पे एक और छक्का, तीन ओवर 55 स्कोर। अभी चौथे ओवर के लिए आए जाहिद, चौथे ओवर की पहली बॉल और एक ऊंची हवा में बॉल और जुबैर का अच्छा कैच, क्या बात है, बहुत अच्छा कैच जुबैर ने किया है, जुबैर का बहुत ही अच्छा कैच और यहाँ पे पहली बॉल पे जाहिद विकेट लेने में कामयाब। यहाँ पे लेफ्टी आए और जाहिद की दूसरी बॉल और ये भी कैच की कॉल है, यहाँ पे बॉल फील्डर से दूर गिरी और यहाँ पे हुआ एक सिंगल और स्कोर हुआ मेरे ख्याल में 56 और यहाँ पे जैदी को लगा एक और छक्का, बल्कि पहला छक्का जैदी को, और इस भाई ने इस बैट्समैन का नाम नहीं पता लेकिन अच्छा खेल रहे हैं और मेरे ख्याल में तीन बॉल हुई और इसी के साथ स्कोर हुआ 62 और जैदी यहाँ पे डेड बॉल और मेरे ख्याल में यहाँ पे दुखी मिलेगी, यहाँ पे दो स्कोर और यहाँ पे अंपायर की कॉल है कि ये दो रन नहीं हुई है तो ये दुखी भी नहीं मिलेगी, दो स्कोर नहीं, यहाँ उन्होंने कोई सिंगल लिया है। और यहाँ पे अच्छी बॉल की मेरे ख्याल में, अगर ना करता तो बॉल वाइड थी और अच्छा ओवर साबित हो रहा है जैदी का। पे 62 स्कोर कॉल और यहाँ पे एज हुआ पीछे, मेरे ख्याल में यहाँ पे मिलेगा सिंगल एक और इसी के साथ ही जाहिद जैदी का ओवर शायद ख़त्म, बहुत ही अच्छा ओवर किया जैदी ने, एक ही छक्का खाया, चल ठीक है ओके।
यहाँ पे आए हैं अभी बासित ओवर के लिए। हमने पहली बॉल की और पहली बॉल हो गई थी वाइड, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो सकी। अभी फिर से पहली बॉल के लिए आए बासित, और यहाँ पे हारिस ने अच्छा कैच पकड़ा, एज सीधा कीपर के हाथों में कैच, और एक अच्छी सेटल बैट्समैन यहाँ से आउट होकर पवेलियन वापस लौटती है। और दूसरी बार लेकिन यहाँ पे हुआ छक्का, बासित को पड़ा यहाँ पे छक्का, स्कोर मेरे ख्याल में 70 के करीब है। और यहाँ पे एक और ग्राउंड शॉट खेला और मेरे ख्याल में यहाँ पे मिलेगा एक सिंगल। यहाँ पे देखना पड़ता है, यहाँ पे काफ़ी जगह पे दो स्कोर मिलते हैं दुखी। यहाँ पे बॉल के लिए आए बासित, और यहाँ पे अच्छी बॉल की और फिर बॉल वहीं पे यहाँ पे पिछली बॉल आके गिरी थी उमर के हाथों में। इसी के साथ मेरे ख्याल में स्कोर 70+ है, आई थिंक 72। और बासित ने बॉल कराई यहाँ पे बीट, और इसी के साथ ही मैच अहमदाबाद 11 ने, बल्कि अहमदाबाद 11 तो नहीं कहेंगे, अहमदाबाद यहाँ पे चौका लगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी आखिरी ओवर में 36 ज़्यादा स्कोर रहता तो ये मैच अहमदाबाद टीम ने अपने नाम कर लिया और विन करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अहमदाबाद टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ पे अहमदाबाद टीम मैच जीत के ठंडी हवाओं के झोंकों में बैठी हुई। यहाँ पे अच्छी इनसे पूछते हैं, अच्छी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। आज आपका ओवर अच्छा नहीं गुजरा है, लेकिन कोई बात नहीं। मसला क्या मैंने ना, आज पहले तो ये है कि हम बहुत काफ़ी टाइम से आ गए तो धूप बहुत ज़्यादा, हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, वीकनेस हो ये बात भी है। हाँ ऊपर यहाँ पे पानी भी नहीं मिल रहा है, ठंडा एनर्जी डाउन है। चलें कोई बात नहीं, गुड लक। अगला हमारा है सेमीफाइनल है तो उसके लिए, और यहाँ पे उमर है तो अभी जी पूछते हैं उमर से कि ये अभी मैच विन करके कैसा फील कर रहे हैं, तो उमर कैसा लग रहा है? एक्साइटेड है अगले मैच के लिए, सेमीफाइनल के लिए? इनसे पूछनी है। अच्छा ठीक है ठीक है, पूछ रहे हैं ना आप? ये मैंने ये आप फील्डिंग पे बॉल जाती है तो आप उसके पीछे जब भागते हैं तो आपको अपनी जान की फिक्र नहीं तो असल में सर हम बड़ी मेहनत करते हैं फील्ड के ऊपर, बहुत कोशिश करते हैं बॉल को पकड़ने, अब धीरे खड़े रहेंगे तो चौका या छक्का लग जाएगा। तो ये यहाँ पे सीरियस होते हैं, जबकि अच्छी ने इनसे किया है मजाक, तो उमर हमारे एक बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं और अच्छी काफ़ी मजाकी हैं, तो ये उमर को यहाँ पे छेड़ती हुई है, तो गुड लक नेक्स्ट मैच के लिए। तो अभी यहाँ पे जुबैर और बासित, इनसे पूछते हैं ये कैसा फील कर रहे हैं मैच जीत कर अगले मैच के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? तो जुबैर पहले आप? अच्छा फील कर रहे हैं, और आपने माशाल्लाह कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा है जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका है। जाहिर सी बात है ये हमारे 1200 का जायद मेहमू था इनके ओवर में, तो कैसा लग रहा है? सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर गए हैं तो एक्साइटेड है मैच के लिए, चलें गुड लक। 14,000 रुपये की बहुत ही करीब है तो अच्छी यहाँ पे एज यूजल अपनी खच्चे मारते ही है। 9,000 के यहाँ बस, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत जबरदस्त फील कर रहे हैं, 9,000 जीते हैं, खुशी है, एक्साइटमेंट है, सब प्लेयर हमारे खुश हैं, खुश हैं सारे। तो आप कवर में तकरीबन अच्छा गुजरा है मेरे ख्याल में, अब मैं याद नहीं है जी, बस असल में रवायती जोकरों में बॉलिंग कराई है हमने हमारे देसी चैपल में, इसमें बॉलिंग करवाई है बासित ने, तो फिर भी ठीक है मैच जीत लिया हमने, टारगेट काफी अच्छा सेट किया था हारिस और उसामा ने, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं ये यहाँ पे हारिस की तरफ, जिन्होंने अच्छी बैटिंग भी की है और बॉलिंग भी तो खासे अच्छे साबित नहीं हुए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं हारिस? बहुत अच्छा फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जीत गए। काफी टाइम बाद आपने इतनी अच्छी जबरदस्त बैटिंग की है, पहले आप थोड़े से फॉर्म जो है वो गायब हुई भी थी,
चले शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे मैच चले इंशाल्लाह अगले मैच के लिए भी गुड लक। और ये ज़ुल्फ़िकार हैं, इनको तो अभी कोई मौका नहीं मिल सका है, वैसे हमारे ये बैट्समैन है हालांकि तो ये भी काफ़ी लंबे छक्के मारते हैं लेकिन अभी इनको कोई चांस नहीं मिल सका है। और हमारे जायद भाई कैसे हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं? इस तरफ आए ना ज़रा, यहाँ पे ज़रा लाइट सी नहीं है, इस तरफ यहाँ अच्छी भाई के साथ ही आ जाए। एक तो आपके बाल भी कंट्रोल से बाहर हो ना, आप लंडे के शाहरुख खान लग रहे हैं। तो आपको बैटिंग में भी मौका नहीं मिला, तो उम्मीद है कि हमारे प्लेयर जो है ना ओपनिंग प्लेयर उसामा और अरिस अच्छा परफॉर्म करते रहे तो उम्मीद है कि हमारे सेमीफाइनल और फाइनल अहमदाबाद के नाम ही होगा। बाकी आपको बॉलिंग मौका मिला है और आपने फील्डिंग भी अच्छी की है, बॉलिंग भी आपने अच्छी की है, आपने पहली बॉल पे उनके अच्छे वाले सेटल बैट्समैन को चलता किया। इंशाल्लाह हाँ गुड लक उनके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जाना हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और यहाँ पे हम इधर ठंडी हवाओं पे दरख्तों की नीचे छाँव पे बैठती है इंजॉय करती है और वहाँ पे हो रहे हैं जी मैच अगली टीम के। तो इंशाल्लाह अगले मैच की आपको अपडेट देते हैं फिर।